Assalamualaikum my dear friends, once again welcome back to my channel जनाब एक बार फिर से इधर आने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से, आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ गुलाब जामुन बनाना बहुत आसान है, लेकिन फर्स्ट टाइम भी अभी बहुत सारे लोगों के सही नहीं बनते क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बना रहे होते हो इसीलिए। ठीक है जी, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चल के देख लेंगे जी आसान इंग्रीडियंट्स के साथ हमारे बहुत ही ज़्यादा मजे के गुलाब जामुन किस तरीके से बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के गुलाब जामुन की रेसिपी। सबसे पहले हमने बना लेना है शीरा। तो शीरे के लिए जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है चीनी तकरीबन 1.5 कप, जो नॉर्मल घर में चीनी मौजूद होती है वो। उसके बाद पानी हमने ले लेना है यहाँ पर 2 कप, 1.5 कप चीनी और 2 कप पानी। उसके बाद इसके अंदर ऐड हो जाएगा लेमन जूस 2 to 3 टेबल स्पून, आपने ये ऐड कर देना है। इसके बाद इसके अंदर ऐड हो जाएगी इलायची पाउडर, इसको मैंने इलायची को थोड़ा मोटा मोटा पीस लिया था, तो ये हम ऐड कर देंगे। तो ये चीज़ें थी हमारी शीरे की। अच्छा जी, अब बारी आती है हमारे गुलाब जामुन की, जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी। सबसे पहले मैदा ले लेना है 1 कप, इसको हमने छान के इस्तेमाल करना है। देन नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास इलायची पाउडर है 1 टीस्पून, इलायची थी उनको मैंने बहुत ही ज़्यादा बारीक बारीक पीस लिया था। नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारे पास बेकिंग पाउडर है, ये तकरीबन 2 टीस्पून है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर यहाँ पर मैं नीडो का इस्तेमाल कर रही हूँ 2 कप, क्योंकि नीडो से जो होते हैं गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। नेक्स्ट चीज़ घी है, घी हमने 6 टेबल स्पून लेना है, घी की जगह आप ऑयल यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद मिल्क ऐड कर लेना है हमने 9 टेबल स्पून, यहाँ पर मैं बॉयल मिल्क यूज़ कर रही हूँ। तो ये तमाम हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें गुलाब जामुन की रेसिपी के लिए चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर एक बात बताती चलूँ कि इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने इस मेजरिंग कप से मेजर किया है, मीन्स कि आपने जो चीज़ लेनी है आपने 1 कप से ही मेजर करना है। अच्छा जी, अब हमें अपना शीरा तैयार कर लेना है। सबसे पहले पानी और चीनी दोनों चीज़ों को हम ऐड कर देंगे और फ्लेम जो है वो ऑन कर देंगे। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, मीडियम फ्लेम पे ही हम इसका जो शीरा है वो तैयार करेंगे, मीन्स जो इसकी चीनी जो है उसको डिसॉल्व करेंगे। जैसे ही चीनी इसकी डिसॉल्व हो जाएगी मीडियम फ्लेम पर, हमने क्या करना है कि अपनी जो फ्लेम जो है उसको हमने लो कर देना है। लो फ्लेम में हमने फिर इसके अंदर ऐड करनी है इलायची पाउडर, और उसके बाद हम ऐड कर देंगे 2 to 3 टेबल स्पून लेमन जूस। लेमन जूस क्रिस्टलाइजेशन को अवॉइड करता है, और इसकी मदद से हमने अब इसको मिक्स कर लेना है लो फ्लेम पे ही। अब आपने 3 मिनट तक इसको पकाना है। ठीक है जी, लो फ्लेम से ज़्यादा फ्लेम आप नहीं करेंगे, हमने ना बहुत ज़्यादा थिक करना है इसे ना ही बहुत ज़्यादा थिन करना है। तो 3 मिनट में लो फ्लेम पर ही इसको रखते हैं, आप फिर मिलते हैं। तो जी 3 मिनट गुजर चुके हैं और जो हमारा शीरा है वो बिल्कुल रेडी है। अब ये रेडी कैसे है हमें कैसे पता चलेगा, तो जी 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जी जब आप इसको इस तरीके से उठाएंगे तो जो ड्रॉप्स गिर रहे हैं एंड का जो ड्रॉप होगा मीन लास्ट वन, वो सबसे ज़्यादा स्लो गिरेगा, बहुत ही ज़्यादा स्लो। सो अब ये लास्ट ड्रॉप है, ये देखिए ये स्लो गिरा, इट्स मीन कि अब ये रेडी है। दूसरी चीज़ जो ये है कि आपके हाथ से ये इस तरीके से चिपकना स्टार्ट हो जाएगा, एंड इट्स मीन कि अब ये रेडी है। तो ये 2 तरीके थे। अब हमने क्या करना है कि इसकी फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसको ढककर साइड पे रखना है, और बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अच्छा जी, अब हमें गुलाब जामुन रेडी करने हैं, तो सबसे पहले आपने तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद हम ऐड कर देंगे इसके अंदर घी, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा, मींस गर्म नहीं होना चाहिए। घी ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरीके से इसे मिक्स करना है, और देन जब आपकी ये क्रम्बल सिचुएशन आ जाएगी आपके इस मिक्सर की, तो इट्स मीन के जी अब ये रेडी है कि हम इसके अंदर दूध ऐड करें। अब आपने दूध इसके अंदर ऐड कर देना है। पहले मैंने 7 टेबल स्पून ऐड किया था, 7 टेबल स्पून ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया था। देन मैंने जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने इसके ऊपर और मिल्क ऐड किया था। तो अच्छी तरीके से हमने तमाम मिक्सर को मिक्स कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा आपने इसको नहीं मतलब मिक्स करना, क्योंकि इससे जो गुलाब जामुन होते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा सख्त बनते हैं। तो तमाम चीज़ों को मिक्स करके अब हमने इसको इस तरीके से रैप करके कवर करके आपने रख देना है इसको 10 से 15 मिनट के लिए। तो जी 15 मिनट गुजर चुके हैं, और अब सबसे पहले हमने अपनी फ्लेम ऑन कर लेनी है। ठीक है, आपने लो फ्लेम पे अपना जो तेल जो है आपने इसको गर्म करना है, फ्लेम ज़्यादा हमने नहीं करनी। ठीक है जी, तब तक हम गुलाब जामुन बना लेते हैं। यहाँ पर आप जैसा कि मिक्सचर देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने पानी की मदद से बनाने की कोशिश की थी लेकिन वो मुझसे सही नहीं बन रहे थे। देन मैंने अपने हाथों पर लगा लिया था ऑयल, और ऑयल से ही बहुत ही ज़्यादा सही बने थे। एंड में मुझे लगा था इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क ऐड करना है, तो जो मैंने आपको बताया कि पहले मैंने 7 टेबल स्पून ऐड किया था,
देन मैंने एंड में इसके अंदर 2 टेबलस्पून और मिल्क ऐड करके इसको सही तरीके से मिक्स कर लिया था। तो आपको अगर ज़रूरत पड़े ऑयल की मीन्स के मिल्क की, तो आपने मिल्क ऐड करना है, ठीक है जी। और फिर हमने बहुत ही आराम से इसे अपने हाथों पर लेना है, पहले इसको जोड़ना है कि मीन्स हमारे जो मिक्सचर जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और फिर विद द हेल्प ऑफ योर पाम बहुत ही ज़्यादा स्मूथली आपने इसको अपने हाथों पर मिक्स करना है, मतलब अपने हाथों पर आपने इसको इस तरीके से गोल गोल घुमाना है। बहुत ही स्मूथली आपने इन चीज़ों को हैंडल करना है, क्योंकि अगर आप हल्का सा भी सख्त हाथ रखोगे तो आपके गुलाब जामुन भी फिर सख्त ही बनेंगे। तो इस तरीके से हम इसे तैयार कर लेंगे और कोई क्रैक नहीं आएगा अगर आपने मिल्क जो है वो सही तरीके से ऐड किया होगा। तो ये देखिए जी, इस तरीके से करके सारे बना लेंगे। और सबसे छोटा सा एक मैंने तैयार किया था जिसको मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया था, ये चेक करने के लिए कि जी ऑयल हमारा कब तैयार होगा। मीन्स कि अगर आप कोई छोटू सा गुलाब जामुन लेके ऐड कर दें ऑयल के अंदर और जैसे ही वो ऊपर आ जाए, तो इट्स मीन कि जी अब ऑयल रेडी है कि हम अपने बाकी के गुलाब जामुन ऐड करें। तो अब ये बिल्कुल ऊपर आ चुका था और अब वन बाय वन करके मैंने सारे गुलाब जामुन इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो जी इसको हमने मीडियम फ्लेम पर ही रखना है, मीडियम, और उस पर ही हमें अपने गुलाब जामुन बनाने हैं। बहुत हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आपके गुलाब जामुन ऊपर आ जाएंगे ऑयल पर, तो तब हमने इसको मिक्स करना, मींस तब हमने इसके अंदर से किसी इसको हिलाना है, वरना स्टार्टिंग में आपने इसको नहीं हिलाना। और जैसे ही आपका डिज़ायर्ड कलर जो आपको चाहिए, गोल्डन या गोल्डन लाइट गोल्डन या ब्राउन, जिस तरीके से भी आपको चाहिए, आप जब आपका वो कलर आ जाए तो आपने बहुत ही आराम से इसको निकाल के शीरे के अंदर डाल देना है। अब शीरा जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, नीम गर्म हो। अगर आपको लगता है कि शीरा ठंडा हो गया है तो बहुत ही लो फ्लेम करके आपने इसको गर्म करना है, और सिर्फ हाफ मिनट के लिए, ठीक है जी। तो इस तरीके से करके हम सारे अपने गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे और इनको शीरे के अंदर डाल देंगे। तो जी सारे गुलाब जामुन रेडी हैं। यहाँ पर मैंने एक लाइट ब्राउन कलर के बनाए थे और एक डार्क ब्राउन कलर के बनाए थे, ये देखिए जी इस तरीके से। तो आपने भी जो कलर आपको चाहिए जी आप उस तरीके से बनाएं। और वन बाय वन करके हम इन तमाम को डिश के अंदर डिश आउट कर देते हैं, मतलब डिश आउट कर देते हैं, डिश के अंदर डिश आउट कर देते हैं। तो और ये देखिए जी इस तरीके से ये रेडी हैं। अब इसके ऊपर हमने ऐड कर देना है शीरा और देन इसके ऊपर हम पिस्ते ऐड कर देंगे। स्टार्टिंग के गुलाब जामुन जो होंगे, आपका हाथ नहीं चला होगा तो इस वजह से थोड़ी से हो सकते हैं कि ये सख्त बने, ठीक है जी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हाथ नहीं चला होता तो ऐसा ही होता है। लेकिन एंड में आप गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा अच्छे बनने लग जाएंगे अगर आपने एक एक चीज़ का ध्यान रखा है। तो जिस तरीके से अभी फ़िलहाल ये नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। स्टार्टिंग के मुझसे भी एक दो जो थे वो उनमें क्रैक आया था, थोड़े से सख्त थे, लेकिन जो बाकी जो थे क्योंकि हाथ चल गया था तो बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा सही बने थे। तो जनाब वीडियो आप सब लोगों ने देख लिया, मुझे उम्मीद है जी वीडियो आप सब लोगों को समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। अब यहाँ पर जो बातें बताने की है कि जी फर्स्ट टाइम में बहुत सारे लोगों की ठीक नहीं बनती क्योंकि हाथ नहीं चला होता। जब मैंने स्टार्टिंग में बनाए थे तो बहुत बुरे बने थे, क्रैक आए हुए थे, छोटे छोटे बनाए थे तो वो सही नहीं बने थे। लेकिन इस टाइम जब मैं बनाने लगी थी तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने थे, ठीक है। लेकिन कुछ जो थे जिनको मैंने बहुत ज़्यादा मसल लिया था वो थोड़े सख्त बने थे। और स्टार्टिंग के जो मैंने 2-3 बनाए थे जब स्टार्टिंग में बनाने लगी थी तो उनमें थोड़े थोड़े से क्रैक आया था, वो थोड़े से ठीक नहीं बने थे क्योंकि हाथ नहीं चला हुआ था। लेकिन जब बनाती गई तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होते गए, कोई क्रैक भी नहीं आया था। तो आप लोगों ने बस इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखना है, आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो अपना मिक्सचर जिसको आप मिक्स करें उसको आप बहुत ज़्यादा मिक्स ना करें, क्योंकि जितना हल्का हाथ रखेंगे, जितने नरम तरीके से मुलायम तरीके से आप उसको मिक्स करेंगे, उतने ही नरम मुलायम आपके गुलाब जामुन बनेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनका ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह गुलाब जामुन जी आपके अच्छे बनेंगे, सही तरीके से बनेंगे। और ये कीजिए, अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में भी जरूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में आपकी बहन फिर आपसे मुलाकात करेगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड अल्लाह हाफिज़।